हेलो माय ब्यूटीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, आप लोग देख रहे हैं श्वेता ब्यूटी वैनिटी। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये क्लासिक एलिगेंट लुकिंग इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। एक्चुअली आई डिड दिस मेकअप लुक ऑन वन ऑफ माय फ्रेंड्स वेडिंग हेयर इन यूएसए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ये लुक शेयर करूँ। सो गाइस, इफ यू वांट टू नो हाउ आई अचीव दिस लुक, देन प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज के मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने स्किन केयर बहुत अच्छे से करूंगी। आज की जो मेकअप है ये स्पेशल इवेंट मेकअप है एंड आई वांट टू मेक माय बेस्ट फ्लॉलेस ड्यूई स्मूथ एंड ग्लोई। सो इसीलिए सबसे पहले मैं शीट मास्क अप्लाई किया है एंड दिस इज़ फ्रॉम नायका ब्यूटी। बाय द वे गाइस, ऑल द प्रोडक्ट डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू डेफिनेटली कैन चेक दैट आउट। Although I got enough amount of hydration from the sheet mask, but my skin is really really dry now. I need a bit more hydration on my skin. तो इसलिए मैं ये मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे, अपने स्किन पे। एंड दिस इज़ फ्रॉम माइशल ब्यूटी विच इज़ ओनली अवेलेबल इन यू एस ए, बट आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है आप यूज़ कर सकते हो। Now to get extra brightness under my eye area, I'm going to use this under eye cream from pharmacy. Now it's an optional step. If your under eye area is not dry like mine, you can skip the step. Now to blot out the open pores and make a smooth canvas, मैं as a base primer use कर रही हूँ बेका कॉस्मेटिक्स बैकलाइट प्राइमिंग फिल्टर एज my base primer today, and I'm going to use it mainly on my T-zone area, and after that I'm going to use it pretty much everywhere on my face. As my foundation today, I'm going to use these two foundation, MAC Studio Fix Foundation and Nykaa Skin Genius Foundation, and I'm going to mix these two. I really love these two combination. Whenever I go for long lasting special event makeup look, I always reach for these two. So after applying it all over my face and neck, I'm going to blend this foundation with a sponge. नेक्स्ट स्टेप पे मैं अपना आईब्रो ड्रॉ करूंगी एंड हेयर आई एम यूजिंग मेबेलिन टोटल टेम्पटेशन आईब्रो पेंसिल। सो इन द फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डिफाइन माय आईब्रो फॉलोइंग द नेचुरल शेप ऑफ माय ब्रो, देन आई एम गोइंग टू फिल अप द स्पार्स एरिया, आफ्टर विच आई एम गोइंग टू ब्लेंड द आईब्रो प्रोडक्ट यूजिंग द स्पूली एंड ऑफ द ब्रो। नाउ टू मेक द आईब्रो मोर बोल्ड एंड प्रोमिनेंट, मैं आईब्रो पाउडर प्रोडक्ट यूज करूंगी विच इज फ्रॉम एनास्थेसिया बेवरी हिल, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट विद अ स्मॉल एंगुलर ब्रश वेयर एवर आई नीड सम एक्स्ट्रा कवरेज। And next step pe to clean the eyebrow and make it more pro like, I'm using a concealer and applying it around my brow and blend the concealer with my finger. Now let's start the eye makeup, but before starting the eye makeup I need to prime my eyelid really really well to hide the discoloration and unevenness on my eyelid area, and for that I'm using a concealer as my eyeshadow base primer and I'm gonna apply it all over my eyelid really really well. Now to prevent creasing and set the creamy concealer on top of that concealer, I'm gonna use a loose finishing powder all over my eyelid jahan pe maine concealer apply kiya tha. आज के आई मेकअप के लिए मैंने चूज़ किया है जेम्स चार्ल्स मॉर्फी पैलेट। तो पहले मैं ये पेल पिंक शेड अपने अपर क्रीज एरिया पे एक फ्लैट फ्लॉपी ब्लेंडिंग ब्रश के मदद से आई शेडो को अप्लाई करूंगी और धीरे धीरे कलर को बिल्डअप करूंगी। एज यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ब्राइट पिंक कलर ऑन टू माई लोअर क्रीज एरिया एंड आई एम यूजिंग लक्सी 250 लार्ज आई ब्लेंडिंग ब्रश टू अप्लाई द प्रोडक्ट। अगेन आई एम यूजिंग द फर्स्ट ब्लेंडिंग ब्रश टू डिफ्यूज द हार्श लाइन्स ऑफ द ब्राइट पिंक आई शेडो। From the same eyeshadow palette, I'm gonna mix these two eyeshadows right here to create a plump shadow, and I'm gonna deposit the color top of the second eyeshadow. But here, I'm using a flat, smaller blending brush, as you can see, so that I can apply the eyeshadow precisely onto the crease line. आज की जो आई लुक है ये हाफ कट क्रीज आई लुक होने वाला है। सो टू क्रिएट दैट हाफ कट क्रीज इफेक्ट मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड एज अ ब्रश आई एम यूजिंग अ वेरी फ्लैट स्मॉल डिफाइनर ब्रश टू कट माय क्रीज। Now top of the concealer, I'm going to use a gold antique eyeshadow, and this eyeshadow is from the same palette, and I'm using a flat definer brush to apply the product. Now to create a smooth transition onto my outer corner of my eyelid, मैं same plump eyeshadow apply कर रही हूँ with a blending brush, as you can see.
So now let's do the rest of the face makeup. As you can see here, I'm using concealer, and this concealer is from e.l.f. It is called 60 hour chemo concealer. It is in matte finish and I'm in the shade medium beige. I'm gonna apply this concealer under my eye area, down the bridge of my nose, top of the forehead, onto the cupid's bow, onto my chin. I really love this concealer. This is my recent purchase and I highly recommend this concealer. It gives pretty much full coverage and it blends like butter. So after applying the concealer, I'm gonna blend the concealer with the beauty sponge. Now to set the entire face, like the foundation and concealer, I'm going to use Maybelline Fit Me loose finishing powder all over my face. Now to contour my face, I'm using LCB contour product, and with a angular brush I'm deposing the product onto the hollow of my cheekbone, under my jawline, down below my hairline. With the same contour product, now I'm gonna contour my nose. Now to diffuse and blend the harsh lines of the contour on my nose area, I'm using a powder compact product wherever I use contour on my nose to make it more natural and real. Now it's time to apply the blush onto the apple of my cheek, or as a product, as a blush product, I use Kaduyape Tarte Cosmetics blush. Filhal to main shade name bhul gayi hu, but the shade name and the product details will be available in my description box below. Now it's time to apply the highlighter. Without highlighter, this look cannot be completed. But today I'm using very subtle highlighter onto the highest point of my face, like top of the cheekbone, onto the forehead, down bridge of my nose, onto the cupid's bow. The highlighter name and product details will be available in my description box below, so you can check that out. अभी मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, बट एज यू कैन सी इट इज़ वेरी थिन एंड प्रिसाइज्ड आईलाइनर आई एम ड्रॉइंग राइट हियर, वेरी क्लोज टू माय अपर लैश लाइन. Now I'm gonna apply the same plum color which I used onto my crease line, and I'm gonna use it 1/3 of lower lash line. Now to tightline my eye rim area, I'm gonna apply this kajal from Lakme, and I'm going to use this kajal pencil onto the upper and lower waterline. Now to brighten up the whole eye look, I'm going to use the same highlighter onto the inner tear duct area, and next step pe main kya karungi to highlight my brow bone area, I'm using the same product. आज मैं फॉल्स आईलैश अप्लाई करने वाली हूँ, बट प्रायर टू दैट आई वुड लव टू यूज़ अ गुड कोट ऑफ मस्कारा ऑन टू द लोअर एंड अपर लैशेज. एंड एज अ प्रोडक्ट आई एम यूजिंग टार्ट कॉस्मेटिक्स मैनिटर मस्कारा, जो कि वॉल्यूम और लेंथ दोनों ही प्रोवाइड करता है. Now it's time to apply the lip product and finish up the look. So as a lipstick today, I'm using this liquid lipstick from Nykaa, or as a lip liner, I'm gonna use this lip liner from Becca Cosmetics. The shade name is Blissful, I guess. All the details will be available in the description box below, as I said before. So you may notice that the footage looks different. जो last footage था इस video का वो delete हो गया था मुझसे, तो मुझे फिर से शुरू से एंड तक मुझे मेकअप करना पड़ा टू शूट द वीडियो टू कम्प्लीट दिस लुक. सो गाइज, दिस इज द फाइनल लुक. टू गिव अ क्लासिक एलिगेंट टच टू दिस लुक, आई डिड दिस बन हेयर स्टाइल विद गजरा. एंड यू गाइज नो दैट विदाउट बिंदी मेरा कोई भी ट्रेडिशनल लुक कम्प्लीट नहीं होता है. सो गाइज, दिस इज द फाइनल लुक. आई होप यू गाइज लव दिस लुक. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज गिव दिस वीडियो अ ह्यूज फैट थम्स अप. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर एंड एवरी वन आउट देयर, सो दैट सबको पता चले मेरे चैनल के बारे में. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. आई विल बी बैक हियर सून विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो. अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी, एंड डेफिनेटली स्टे सेफ. बाय बाय.